एनसीसी बिहार एंड झारखंड के अंतर्गत से यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट हम खोले हुए हैं, एनसीसी बिहार एंड झारखंड। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम बताया है कि कौन कौन पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लर्क का है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है क्लर्क में, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ये आपको टाइपिंग स्पीड भी आपको होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में आना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको स्पीड आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको मांगा गया है कंप्यूटर हैंडलिंग। और यहाँ पर इस साइड में आए तो टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। उसके बाद टोटल आपको पोस्ट यहाँ पर क्लर्क में रहना है 45 को रहने वाला है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर एरो मॉडलिंग टोटल पोस्ट आपको 1 रहने वाला है। इसके क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर बताया गया है, स्किल यहाँ पर जॉब रिलेटेड स्किल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, स्टेनो को निकाला गया है। ठीक है, इसमें आपको इंटरमीडिएट पास मांगा गया है और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा गया है और इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। और ये शॉर्ट हैंड भी आपको मांगा गया है 30-80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। टोटल पोस्ट आपको 4 यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टोर कीपर के आपको बताया गया, तो इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड इसमें भी आपको टाइपिंग स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। ठीक है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। टोटल पोस्ट आपको 1 आने वाला। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर ड्राइवर के भी आपको निकाला गया है, जिसमें ड्राइवर में आपको 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पर हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर। ठीक है, तो अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फुल डिटेल देखने के लिए तो यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, NCC यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पर डाउनलोड करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, है ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैटेगरी में बांटा गया है कि इस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया, यहाँ पर साइड में आपको बताया गया। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई लिंक का, इसे ठीक है जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर NCC रजिस्ट्रेशन फॉर्म सैंपल भी यहाँ पर दिया गया है कि आप किस तरह से अप्लाई करोगे, सैंपल के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस पर अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक है टू अप्लाई। जैसे अप्लाई पर क्लिक कीजिए तो आपका इस तरह से फॉर्म खुलेगा और यहाँ पर ईमेल ID डालेंगे और ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करिए तो उसके बाद आपका नाम आएगा। ठीक है, अपना यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, जो कि आधार के अनुसार यहाँ पर डालना है, जैसे आधार के अनुसार मांगा गया है कि जिस तरह से आपका आधार में नाम है ठीक उसी तरह से आपके नाम डालना है। उसके बाद जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चूज कर देना, जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, सिलेंडर के माध्यम से यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे नेम फादर, यहाँ पर फिर से फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर विवाहित महिला फॉर्म भर रही है तो यहाँ पर हस्बैंड के नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर जो होगा मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं, ईवर में जनरल से आते हैं या EWS में आते हैं या बैकवर्ड क्लास या EBC में आते हैं। ठीक है, SC में आते हैं, ST, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे जो भी आप आते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से आपको, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप डिसेबिलिटी हैं, विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल कर देना। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर NA लिख देंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर NA लिख देंगे, जैसा कि दर्शाया गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर NA लिख देंगे। उसके बाद पर अप्लाई फॉर द विद जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि अब बताए थे कि यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर जो दिया गया है पोस्ट का नाम। ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर चूज करने के लिए पूछा है, जो क्लर्क के करना चाहते हैं क्लर्क के करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लर्क पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद चूज द प्लेस, प्लेस चूज करना है पोस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर जिला का नाम आ जाएगा किस जिला में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि पूर्णिमा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, ठीक है, बक्सर हो गया,
अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लें जो, फिर उसके बाद सेकंड चॉइस यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। सेकंड पोस्टिंग के लिए आप कहाँ कौन सा जिला देना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाउस नंबर यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, हाउस नंबर या नेम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम डाल देना है यहाँ पर नीचे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, उसके बाद स्टेट का नाम डालेंगे किस स्टेट से आते हैं, पिन कोड डालेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। पर पूछा है कि आई हैव यू डन मेट्रिकुलेशन स्टडी, तो यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से अगला यहाँ पर डिटेल में आएगा, जो कि उसके बाद यहाँ पर देखिए स्कूल नाम डालना है, ठीक है, किस स्कूल से पास किए हैं, उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, उसके बाद आपका मेट्रिकुलेशन का कितना नंबर आया है वो यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद परसेंटेज डालेंगे कितना परसेंटेज आप आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा कि यू हैव द डन इंटरमीडिएट स्टडी, तो यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी अगर आप कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको इंटरमीडिएट भी देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें यस कर देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पर यस कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इंटरमीडिएट का डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट जो पास किए हैं किस कॉलेज या स्कूल से किए हैं, उसका कॉलेज स्कूल का नाम डालना है, उसके बाद पासिंग ईयर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर मार्क कितना नंबर आया था इंटर में वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे कितना परसेंटेज आपको यहाँ पर आया था, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जाए कि क्या आपके पास ग्रेजुएशन भी यहाँ पर कंप्लीट है, तो यस करेंगे, नहीं था पर नो करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसे क्लिक कीजिएगा तो पूछ रहा है कि यू हैव यू डन एनी कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर कोर्स के कलर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है डिप्लोमा वगैरह, तो यहाँ पर यस कर देना है। छोड़कर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आपको देखना होगा कि इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया कि नहीं, अगर नहीं मांगा गया तो नो करेंगे, लेकिन यहाँ पर कलर के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए हम यस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा है कि कंप्यूटर कोर्स जो किए हैं, ठीक है, तो उसका इंस्टीट्यूट का नाम बताना होगा, उसका पासिंग कब पास किए हैं, उसके बाद उसका टोटल नंबर कितना आया था, उसके बाद परसेंटेज बताना है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको मांगा जाए कि, उसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद इस और इसमें है तो यस करेंगे। ड्राइविंग रिलेटेड यहाँ पर सभी मेरा नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। अगर मान ली इस सभी में है तो यस कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको फिर से नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल आपको मांगा जा रहा है, ठीक है, डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि प्लीज शेयर, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में आपको डालना है, ठीक है, जी आप जो काम किए हैं। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल डालेंगे, उसका सारा डिटेल यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो नो वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, जैसा कि पहले क्या गया कि अगर पास नो कि अगर पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर नो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा गया, उसी तरह से नो वर्क एक्सपीरियंस डाल देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट सेक्शन वाला में आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबसे पहले अगर आप रिज्यूम देना चाहते हैं, ठीक है, वन पेज, ठीक है, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो देना चाहते हैं तो यहाँ पर फोटो आपको मैंडेटरी है, फोटो आपको देना होगा तो इसलिए आपको यस करना होगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप देना चाहते उसके बाद एड्रेस प्रूफ देना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है तो यस करेंगे, पैन कार्ड है तो यस करेंगे, यहाँ तक नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल डिसेबिलिटी आप हैं विकलांग वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। तो बिलिंग कर दें तो उसका डिटेल देना सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हुए करना है। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते, कंप्यूटर डिप्लोमा का डिटेल डाले थे इसलिए यहाँ पर हम यस करें, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग पर देखते हुए इस दोनों का कंडीशन देना है, अपने अकॉर्डिंग पर टिक कर ली, ठीक है। आप अपना अकॉर्डिंग भरिएगा तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए आपको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एक ही PDF फाइल में आपको बनाना है, कम से कम 5 MB तक आपको फाइल का होना चाहिए, जितना भी आप टिक किए हैं सारा डॉक्यूमेंट आपको एक ही PDF में अटैच करना है, एक ही PDF में आपको अटैच करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करना है। उसके
यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिए तो आपका फाइनल सबमिट का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल सबमिट जैसे कर दीजिएगा तो आपका, तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें कि आपका अगर आप बिहार NCC बिहार एंड झारखंड के तरह जो यहाँ पर वैकेंसी आया है, ठीक है, अगर उसको फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बता दें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको जो ये वैकेंसी वगैरह है, ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जैसा लिखा गया कि हायरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, ठीक है। अगर ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नंबर के साथ।